अब .NET पर आपको मिलेगा क्लास 6 से IIT JEE तक के मैथ के साथ साथ 11th एवं 12th के फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के हर सवाल का जवाब। बस .NET ऐप से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप .NET ऐप को डाउनलोड करो और करो अपने हर एक डाउट की छुट्टी। दोस्तों यहाँ पे आप अपने कितने भी कठिन से कठिन सवाल का सोल्यूशन सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए गणित का अगला मॉडल सेट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैट्रिक की प्रत्येक दिन की आने वाली वीडियो आपसे ना छूटी और आपकी मैट्रिक की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 180 डिग्री, 540 डिग्री, 360 डिग्री और ऑप्शन चौथा में दिया गया है इनमें से सभी। तो आप सभी स्टूडेंट को मालूम को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का जो पहला क्वेश्चन होता है उसका जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर दो को देख लेते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है √3, ठीक है। ऑप्शन खा में दिया गया है 1/√3, ग में दिया गया है 1 और घ में दिया गया है 0। तो आपसे बता दें कि जो टैन में 30 डिग्री का मान होते हैं, तो टैन में दोस्तों 30 डिग्री का मान कितना होते हैं, 1/√3 होते हैं। और कॉट में अगर 60 डिग्री की मान की बात करें तो कॉट में 60 डिग्री का मान भी कितने होते हैं दोस्तों, 1/√3 होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन खा में मौजूद है 1/√3। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर तीन को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। मेट्रिक एग्जाम में प्रायिकता से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आपको गारंटी है कि रहेंगे। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर तीन की निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आपसे बता दें कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, ठीक है। और प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होता है। अगर निश्चित की जगह पे आपको अगर अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछे जाएँ तो हमेशा आप कितना सही जवाब लिखेगा दोस्तों, तो 0 लिखेगा, चूँकि अनिश्चित घटना या असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। तो यहाँ पर बात करें निश्चित घटना की, तो क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर चार को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है sin·90° - a निम्नलिखित में से किसके बराबर है। दोस्तों आपसे ये फार्मूला पूछा गया है, त्रिकोणमिति का कोटिपूरक का ये फार्मूला होता है कि sin·90 - θ बराबर क्या होते हैं दोस्तों, cos θ होते हैं, और cos·90 - θ बराबर क्या होते हैं, तो sin θ होते हैं। तो यहाँ पर बात करें sin·90° - a बराबर क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे cos A, यानी क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, cos A। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच दिया गया है प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का माध क्या होगा। आप सभी को तो मालूम होगा कि माध का जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों σ(x/n)। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रथम 5 सम संख्या का माध क्या होगा। सम संख्या तो आप सभी जानते होंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती हो या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे सम का संख्या कहते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला होता है σ(x/n), यानी σ(x) का मतलब सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है, सभी को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, और n का मतलब नंबर यानी संख्या, ये कितने संख्या है उतने से भाग लगा देंगे। तो ये है संख्या 5, तो हम 5 से भाग लगा देंगे। तो अब दोनों को ये सभी को जोड़ लेंगे तो 10, 8, 18 हो जाएंगे, 18, 2, 20 और 6, 4, 10 यानी 30 जाएंगे, और 30/5 करके इसे कटा देंगे। आपसे बता दें कि 30/5 करते हैं 6 बजे 30, यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 6 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन घ में मौजूद है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी देख पा रहे हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 1:3 जो दिया गया है
वो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। और निश्चित है कि जब वृत्त के त्रिज्या का अनुपात देगा ना तो आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो जो भी अगर अनुपात में दिया गया है उसमें आपको केवल स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर कर दीजिएगा तो एक हो जाएंगे अनुपात का अनुपात, और तीन का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, तीन तिहाई नौ हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वो एक अनुपात नौ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर सात को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात दिया गया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे उन्नति कोण दिया गया है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और तब 30 मीटर की लंबी छाया वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब एक देखिए एक इस प्रकार के मीनार है, ठीक है, यहाँ पे एक सूर्य है, इसकी जो जो छाया की लंबाई है वो कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 30 मीटर बताया गया है और ये कोण बना रही है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो आपसे ये मीनार की ऊंचाई यानी पी पूछा गया है और बी दिया गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि टेन मेनू होते हैं पी बटा बी, तो यहाँ पे 60 डिग्री है तो लिखिएगा टेन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं दोस्तों, पी बटे बी होते हैं। टेन 60 डिग्री की मान की बात करें तो टेन 60 का मान रूट 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पी का मान तो है नहीं तो हम पी का पी लिख देंगे और बी का मान, बी का मान दोस्तों कितना है तो 30 मीटर है तो हम 30 लिख देंगे। तो रूट 3 के नीचे एक लिख के इसका क्रॉस गुना कर देंगे तो पी में एक से गुना कर देंगे तो पी ही हो जाएगा, और 30 में रूट 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रूट अंडर 3 हो जाएगा। यानी करने का मतलब कि जो मीनार की ऊंचाई जो आएगा हमारा वो 30 रूट अंडर 3 आएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन सात का जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि नहीं 30 रूट अंडर 3। तो अगर आप ऑप्शन घ को देखें तो 30 रूट अंडर 3 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर आठ को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है, एक अर्थगोले का आयतन 19,404 सेमी क्यू है तो अर्थगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आपको क्या करना है कि अर्थगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है और आपका चार ऑप्शन में आपको देख लेना है, कोई आपका ऑप्शन में सही जवाब मिल जाएगा, जैसे इसका जो सही जवाब है 2772 आ जाएगा। अगर आप क्षेत्रमिति का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मेट्रिक का क्षेत्रमिति का चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन की। क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया है, बिंदु पी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर और केंद्र से पी की जो दूरी है वो 25 मीटर। देखिए एक वृत्त है और कोई बिंदु क्या है दोस्तों, पी है, तो यहाँ पे पी से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितना सेमी है, तो वो 25 सेमी है। उसके बाद में ये जो केंद्र है, केंद्र से लेकर ये पी के बीच की जो दूरी है वो 25 दिया गया है। तो आपसे वृत्त के ये जो ये त्रिज्या आपसे पूछा गया है, तो त्रिज्या पूछा गया है तो आपको क्या करना है कि 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि आर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 25 के स्क्वायर कर दीजिएगा इधर, ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा 24 का स्क्वायर। और आप सभी को तो बता दें कि 25 के स्क्वायर कितने होते हैं, 625 होते हैं, 24 के स्क्वायर होते हैं 576, तो 576 लिख दीजिएगा। आपसे बता दें कि 625 में से 576 को घटा लीजिएगा यानी 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये बचेंगे 61 में से 57 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी रूट अंडर आएंगे 49 और 49 के वर्गमूल कितने होते हैं दोस्तों, तो 7 होते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन डी में, जो कि 7 से में दिया जा चुका है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि बिंदु -3, -3 किस पाद में होगा। तो आपसे बता दें कि ये कार्तीय तल होता है जिसका मूल बिंदु का निर्धारण 0-0 होता है। तो अगर कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में है तो ये पहला पाद में होता है, पहले माइनस बाद में प्लस हो तो दूसरा पाद, दोनों में माइनस लगा हो तो तृतीय पाद, और पहले प्लस बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ पाद में हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें -3 और -3 की, तो ये दोनों माइनस में है और दोनों माइनस कितने में होते हैं दोस्तों, तो तृतीय पाद में होते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन क हो जाएगा, यानी तृतीय पाद, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का एक हल है। तो इसको क्या करना होगा कि सबसे पहले इस समीकरण जो दिया गया है इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना होगा। अगर आपको हल करना नहीं आता है और ऑप्शन मिला हुआ है तो क्या कीजिएगा कि x का मान बैठाकर और इसे बना लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का शून्य जवाब आता है तो सही है, आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2x² है तो x का मान हम 2 रखेंगे ना, तो कितना कर देंगे, 2x² के मान हम कर देंगे 2 का स्क्वायर,
प्लस में है एक्स का मान यानी 2 और माइनस 6। तो देखिए 2 और गुने 2 का स्क्वायर 4 होते हैं और प्लस 2 माइनस 6, तो करने का मतलब 4 दुनी 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा और 10 में से 4 6 को घटा लीजिएगा तो 4 बचेगा। तो इस ऑप्शन से तो आपका 0 आंसर आया नहीं, तो आपका ऑप्शन क जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 गुने एक्स का मान हम 3/2 बैठाएंगे, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर है प्लस एक्स यानी एक्स का मान कितने 3/2 और माइनस 6 दिया गया है। उसके बाद में क्या करना होगा कि 2 दूनी 4 इसे कटा लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे और 2 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों 2 हो जाते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जब एलसीएम सेम टू सेम हो तो ऊपर वाला अंक को सेम टू सेम लिख देंगे, यानी 9 प्लस 3 और माइनस 6 दुनी कितना जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपसे बता दें कि 9 और 3 कितने हो दोस्तों, तो ये 12 होते हैं, फिर माइनस यहाँ पे 12 दिए गए हैं और बट्टा में 2, तो 12 में से 12 को घटा लीजिएगा तो 0 बचेंगे और 0 में अगर 12 से यह भाग भी लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो एक्स बराबर 3/2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन ख में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मसा 25 तथा लसा 50 है तो इनका गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्या है जिसका मसा भी दिया जा चुका है यानी एचसीएफ, लसा यानी एलसीएम भी दिया जा चुका है, तो आपसे इस क्वेश्चन में गुणनफल पूछा गया है यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है। तो आपको गुणनफल बराबर होता है मसा गुने लसा यानी करना है 25 गुने 50। तो आपको क्या करना है 25 के पड़ा 5 पड़ेंगे तो 25 125 जाएंगे और 10 छोड़ दिए थे तो 10 बैठा देंगे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर 1250 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ग में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन से बात करें तो दिया गया है रूट अंडर 3/21 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन दूसरा की बात करें ऑप्शन बी की, तो दिया गया है रूट अंडर 16/32, तो 16 का तो वर्गमूल होता है लेकिन 32 का वर्गमूल नहीं होता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी की बात करें तो 21/91 दिया गया है। राशि भी को बता दें कि 81 का भी वर्गमूल होता है लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें ऑप्शन डी में दिया गया है 49 के वर्गमूल कितने होते हैं दोस्तों, तो ये 7 होते हैं और 64 के वर्गमूल कितने होते हैं तो 8 होते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, BC बराबर 13 सेमी, AB बराबर 12 सेमी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AC का मान पूछा गया और आपसे बता दें कि क्या कीजिएगा कि एक त्रिभुज बना लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे A रखिएगा BC। तो देखिए कोण जो है वो कोण A का मान जो है वो 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री है, AB का मान दोस्तों कितना है तो ये 12 सेमी है, AC का मान कितना है, AB का मान कितना है तो 12 और BC का मान कितना है 13, आपसे H का मान पूछा गया। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि अगर एक फार्मूला का यूज़ कीजिएगा यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दिएगा, तो 13 का स्क्वायर कितने होते हैं दोस्तों, तो 13 × 169 होते हैं माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितने होते हैं तो 144 हो जाते हैं। आपसे बता दें 169 में से 144 को हटा लेंगे ना, तो देखें 9 में से 4 गया तो 5 बचेंगे और 16 में से 14 अगर घटा भी लेते हैं तो कितना बचेंगे, तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पे आएंगे रूट अंडर 25 और आपसे बता दें कि रूट 25 का वर्गमूल कितने होते हैं तो 5 होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 5 सेमी आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ग में मौजूद है। ठीक है, इसको जाँच करने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिए AC यहाँ पर एक फार्मूला होते हैं AC² = AB² + BC² यानी कहने का मतलब कि 13 के स्क्वायर 169 होते हैं, उसके बाद में अगर 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर जोड़ देंगे तो बराबर आंसर आ जाएगा, तो सही है नहीं तो गलती। तो यहाँ पे देखिए 12 के स्क्वायर 144 जाएंगे और 5 के स्क्वायर 5 × 25, तो 144 और 25 कितने होते हैं 169 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा तो दोनों इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 5 सेमी। उसके बाद ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, समांतर श्रेणी -11, -8, -5 / का धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1 दिया जा चुका है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप सभी को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है किसी बिंदु P में दिया गया x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दोस्तों आपसे बता दें कि मूल बिंदु से दूरी का जो फार्मूला होता है
वह होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माधि का निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आप एक बहुला का क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 × माध्य = 2 × माध्य 3 × माध्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 × माध्य होती है 2 अनुपात, और यहाँ पे दिया गया है किसी गुरुत्व केंद्र की उसकी माधि का और निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 2 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कौशेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों कौशेक 60 डिग्री की मान की बात करें तो 2/√3 होते हैं सेक 30 डिग्री का मान, और कौशेक में होते हैं 60 डिग्री का मान। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन घ में मौजूद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की दिया है कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो आपसे बता दें कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, जो कि एक फार्मूला है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपसे बता दें वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपका ऑप्शन ग में मिलेगा। पाई यहाँ पे हाइट है, आर स्क्वायर है, यानी पाई आर स्क्वायर वृत्त का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में आपसे बता दें कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैट्रिक तैयारी करण मैट्रिक के लिए सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप चाहते हैं देखने के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।